नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस महामारी में किसी न किसी मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने वैक्सीन को ही मोदी सरकार पर निशाना साधने का एक बड़ा हथियार बना लिया है। आज एक बार फिर से सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है और उनके वैक्सीन सेंटर पिछले चार दिनों से बंद। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा है लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। केजरीवाल ने यहां तक दावा किया कि कोरोना महामारी के इस दौर में देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल के इन आरोपों का तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने केजरीवाल को आंकड़ों का आईना दिखाते हुए कहा है कि दिल्ली की कुल आबादी 2 करोड़ है, जो पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 1.6% के बराबर है। अभी देश में कुल 20 करोड़ वैक्सीन लगी है, यानी कुल आबादी और कुल वैक्सीन के हिसाब से दिल्ली को लगभग 35 लाख वैक्सीन मिलनी चाहिए, जबकि इससे 16 लाख ज्यादा वैक्सीन मिली है। फिर भी केजरीवाल केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये पूरे देश की जनता को बताया है कि दिसंबर तक 200 करोड़ डोजेस इस देश में आ जाएंगी, इस देश की सारी जनता वैक्सीनेट हो जाएगी, इसके बावजूद इतना पैनिक फैलाना, इतना डर का माहौल फैलाना, क्या ज़रूरत है इसकी? और राजनीति करने के लिए तो आपके पास पूरी ज़िंदगी है। ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, ये वक्त है एक दूसरे की सेवा करने का, इस देश को इस महामारी से निकालने का। और यही तो वो व्यक्ति है जिसने ये बोला था कि हम इस वैक्सीनेशन पे हमारे को ट्रस्ट नहीं है, इसके ट्रायल नहीं हुए, ये फुल प्रूफ नहीं है। और जब शुरू में इस व्यक्ति को ये वैक्सीनेशन दी गई, जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए ये वैक्सीनेशन आई थी, तो यही व्यक्ति था जो कितनी डोजेज दिल्ली में एक्सपायर हुई हैं, और आज यही व्यक्ति है जो सेंटर को कह रहा है कि हमारे को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अगर इतनी सच्ची नीयत थी और इतने ही आप दिल्ली की भलाई चाहते हो, तो उस वक्त पे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए ये डोजेज दी गई थी वैक्सीनेशन की, इसको एक्सपायर होने की जगह अगर आप इसको नॉर्मल लोगों में डाइवर्ट करते तो शायद दिल्ली की लोगों की ये हालत नहीं होती, लोगों को इतनी अपनी जान गंवानी ना पड़ती। और हर वक्त पे राजनीति, हर वक्त पे, मतलब हर चीज़ पे राजनीति। कभी तो किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे, और जिम्मेदारी क्यों लेंगे? क्योंकि जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत सच्चाई की ज़रूरत है। आदेश जी ने यह भी बताया कि किस तरीके से कि दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन मिली है केंद्र की तरफ से, उसके बावजूद ये बोलते जाना कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही, किसको बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन आज मैं ये भी जानता हूं कि वो इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन 4 साल बाद दिल्ली की जनता जरूर इसका जवाब मांगेगी। और आप भी लोग यही सवाल उनसे पूछेंगे, शायद आज आप ना पूछें लेकिन आगे आने वाले समय में जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अगर हम जीत सकते हैं तो सिर्फ मिलके जीत सकते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है, केंद्र की सबकी जिम्मेदारी है, ये देश सबका है। तो हर चीज़ सिर्फ केंद्र पे फैलाना गलत है, हर चीज़ केंद्र पे डालना गलत है। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप हमसे सवाल पूछते हैं ना, और हम सामने खड़े होकर जवाब देते हैं हर सवाल का, क्योंकि सवाल का जवाब वही दे सकता है जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, जिसको कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। सवालों से वो भागते हैं जिनके दिल में खोट होता है, जिनकी नीयत साफ नहीं होती। तो सवाल ये आप उनसे पूछिए कि क्यों हर चीज़ पे राजनीति की जा रही है, वैक्सीनेशन पे। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में किसी और देश ने वैक्सीनेशन पे राजनीति करी है जिस तरीके की घनौनी राजनीति हमारे दिल्ली के विज्ञापन मंत्री कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में टीकाकरण की गति भी काफी धीमी है। जिन्हें दूसरा डोज लगवाना है उनके लिए समस्या पैदा हो गई है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सरकारी साइट्स पर फ्री वैक्सीनेशन लगभग बंद हो गया है, केवल प्राइवेट अस्पतालों में पेड वैक्सीनेशन जारी है। ऐसे में हाथ पर हाथ रखने से तो कुछ नहीं होगा, और सारा ठीकरा अगर केंद्र सरकार पर ही फोड़ा जा रहा है तो फिर खुद की भी, सीएम केजरीवाल की कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।